वही थी जब तालिबान में धमाके हो गए और वहां पर जो सामान्य प्लेन जा रहे थे उन पे भी अटैक हुए। यानी कुल मिलाकर चंद ही दिनों में तालिबान की सोच क्या है, मानसिकता क्या है, वो सबको पता थी, लेकिन वो प्रमाणित हो गई। लेकिन हमारे देश में तालिबान के पैरोकारों को जो हमारे कार्यक्रम में आए और लगातार तालिबान के पक्ष में बोलते रहे, गाय बगाए लेफ्ट से राइट से उसका समर्थन करने की भरपूर कोशिश करते रहे, आज उनको एक्सपोज करने का दिन है। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम तालिबानी सोच पे वार करेंगे, क्योंकि तालिबान से खतरनाक उसकी वो सोच है जो भारत में कुछ लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को मदद करनी चाहिए तालिबान की, किस काम के लिए, जो वहां पर वो औरतों बच्चियों के साथ कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ सलूक कर रहे हैं, उसके लिए मदद करनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं जो तालिबान का यार है वो इंसानियत का गद्दार है। आज ये देश है हमारा में उसी की होगी बड़ी बात। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, तीन सीरियल धमाकों से काबुल एयरपोर्ट दहल उठा। इस आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा घायल हो गए। मारे गए लोगों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। अमेरिकी सैनिक बुरी तरह जख्मी हैं। पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट के पास उस वक्त हुआ जब वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। भीषण धमाके से काबुल एयरपोर्ट दहल गया, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और इसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। कुछ देर बाद ही दूसरा धमाका बैरन होटल के बाहर हुआ। दहशत से भरे लोग इधर उधर भागने लगे। इसके कुछ ही देर बाद फिर से एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ। धमाके की जिम्मेदारी खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने ली है। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. कहां जाएगा अफगानिस्तान की स्थिति कोई बता नहीं सकता, तो सरकार का जो पॉलिसी है ठीक ही है, वेट एंड वॉच। इंसानियत को रौंदने वाले ये धमाके उन तमाम लोगों की गाल पर जोरदार तमाचा है जो ये कहते थे कि तालिबान राज अफगानिस्तान की जनता के लिए बेहतरीन साबित होगा। वो अफगानिस्तान में जैसे चले, अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें उनको सिर्फ आदर नहीं करना चाहिए, हमें उनसे कुछ भेंट देनी चाहिए। $1 बिलियन दे दो भारत सरकार की तरफ से। कायम रहते हैं तो हमें बात करना होगा, और अगर हम बात नहीं करते तालिबान से तो देश का नुकसान होगा। हम तो चूंकि अफगानिस्तान अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो हमें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है। यूनाइटेड नेशंस ने, यूएस ने, इंडिया ने, किसी ने नहीं कहा कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो उनका देश है, उनके हालात क्या हैं, उनको किस तरह पाबंद किया गया, 20 साल तक उन पे जुल्म किया गया, इंतजार तो करिए कि वो क्या कह रहे हैं। वैसे तो ISIS को तालिबान का दुश्मन माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह खुद ये कह रहे हैं कि काबुल धमाकों में ISIS और तालिबान की मिली भगत है। लेकिन एक तरफ ये हमला है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की जनता पर तालिबानी क्रूरता जारी है। ऐसे में सवाल उन लोगों पर उठता है जो भारत की धरती पर खड़े होकर क्रूर तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं। तालिबान के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने पर केरल के विधायक MK मुनीर को जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आइए तालिबान के राज में तबाही का एक विश्लेषण देखते हैं। चंद दिनों में ही तालिबान 2.0 की बड़ी पोल खुल चुकी है, देश और दुनिया के सामने है। तालिबान राज में आतंक का एक कॉकटेल तैयार हो रहा है जिसमें ISIS भी है, जिसमें लश्कर ए तैयबा भी है, जिसमें जैश ए मोहम्मद भी है, जिसमें कई है अलग अलग आतंकी संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय हुए हैं। हालात काबू नहीं हुए तो आतंकी हब बन जाएगा अफगानिस्तान, जो कि बड़ा प्राइम फोकस की बात है। कोई भी तालिबानी फैसला अफगान जनता के हित में नहीं है। खून खराबा और महिलाओं पर अत्याचार ये चरम पर पहुंचा है, और ये सबसे ज्यादा दुखद घटना है जिसको देखकर दुनिया दंग है।
लेकिन तालिबानियों का ये मेन और कोर एजेंडा है। क्या तालिबान के पैरोकार अब आंखों से पट्टी हटाएंगे? जो लोग तालिबान को बधाई दे रहे थे, जो तालिबान को कई बिलियन डॉलर की मदद की भारत सरकार से गुहार लगा रहे थे, क्या उनको अब अकल आएगी? मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ तस्नीम रहमानी है, एमपीसीआई के अध्यक्ष, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी मेरे साथ इस चर्चा में है। मेरे साथ शोहेब जमई है, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक एक मेहमान से मेरा निवेदन है कि एक दूसरे के ऊपर ना बोले और शिष्टाचार से पूरी की पूरी बात करें, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधा चलता हूं शोएब जमाई के पास। शोएब जमाई, आपके एक मैं बाइट प्ले करना चाहता हूं। जब आप कुछ दिनों पहले हमारे कार्यक्रम में आए थे और आपने जो कुछ कहा था वो बाइट मैं प्ले करता हूं और अब आपसे आपके तब मैं आपके विचार डालता हूं। आइए प्ले बाइट प्ले करिए शोएब जमाई की। तो चूंकि अफगानिस्तान अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो हमें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। या उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत